हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे मन अति सुंदर सीरियल के आने वाले एपिसोड के बारे में। यह एपिसोड बहुत ही धमाकेदार आने वाला है। इस शो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता लगेगी। इसमें आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां आप लोग देखेंगे कि राधिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इनकी तबीयत बिगड़ने का कारण सुजाता और कविता होते हैं। ये चाहते हैं कि राधिका को किसी न किसी तरीके से दादी की नजर में गिराया जाए। इस बार इन्होंने कुछ ऐसा किया कि दिव्यम भी राधिका से बहुत ज्यादा नाराज हो गया। राधिका के लेट होने के कारण उसे दादी जी एक सजा देती हैं कि वो 3 घंटे तक एक जगह चक्कर लगाएंगी, जिससे आप लोग देखेंगे कि दादी जी कहती हैं कि राधिका 3 घंटे तक घर के कोने में चक्कर लगाती रहेंगी। उसी समय कविता और सुजाता उसके पानी में दवाई मिला देती हैं, नशे की गोलियां मिला देती हैं, जिसके कारण राधिका बेहोश हो जाती है और सुजाता और कविता उसे उठाकर कमरे में लेटा देते हैं और दादी को जाकर ये कहते हैं कि देखो राधिका सो रही है। इस बात से दादी बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो राधिका को कई खड़ी खोटी सुनाती है। सुजाता और कविता बहुत खुश होते हैं। वो यही चाहते थे कि वो किसी न किसी तरीके से राधिका को दादी और दिव्यम के नजरों से गिराए और वो राधिका के पानी में नशे की दवाई मिला देती हैं, जिसके कारण राधिका भी होश हो जाती है और जब वो उठती है तो उसे पता नहीं होता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। वहीं दादी को लगा है कि राधिका सो रही थी और उसे दादी की दी गई सजा का कोई मोल नहीं है और यही बात कविता और सुजाता जाकर दिव्यम को बता देती है, जिसके कारण दिव्यम राधिका पर बहुत गुस्सा करता है। पर असल कारण कविता और सुजाता जाकर दिव्यम को कहते हैं कि ये सब राधिका ने जानबूझकर किया है और वो अपनी बात से मुकर रही है। इसी बात पर दिव्यम बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो राधिका पर बहुत चिल्लाता है। वो उसे कहता है कि तुम कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं करती और उससे बहुत ज्यादा चिल्लाता है, जिससे राधिका बहुत परेशान हो जाती है। पर बाद में दिव्यम को पता लग जाता है कि राधिका सोई नहीं थी बल्कि उसके पानी में किसी ने दवाई मिलाई थी और वो फिर राधिका का साथ देता है। आखिर में आकर दिव्यम राधिका का साथ दे ही देता है और इस बात से सुजाता और कविता बहुत गुस्सा करती हैं। वो कहती हैं कि हमने कितनी बार कोशिश की है इन दोनों को अलग करने की, पर फिर भी किसी न किसी कारण से ये एक हो जाते हैं। अब आखिर में देखना है कि ये और कौन सी नई चाल चलती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको राधिका अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।